है, मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा, बहुत सारे काम किए अच्छे अच्छे। स्टेट में बहुत खुशी हो रही है कि 21 कर दिया गया है। डाउरी सिस्टम भी हटा देना चाहिए, एकदम हटाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विभू कुमार झा। जिस तरीके से कैबिनेट के द्वारा जो फैसला आया नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो जिस तरीके से लड़कियों की उम्र में जो बदलाव किया गया शादी के लिए 18 से 21 किया गया, उससे पहले आपको पता होगा कि लड़का का उम्र 21 वर्ष जो है एलिजिबल था, लेकिन अब लड़कियों का भी शादी का जो एलिजिबल एज है वो 21 वर्ष कर दिया गया। ऐसे में पटना के सड़कों पर हम जानना चाहेंगे कि पटना के लोग क्या जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो बदलाव किया गया है इसमें कितना सहमत है और कितना असहमत है, आइए जानेंगे। मैडम, क्या किस तरीके से जो इस तरह से जो बदलाव किया गया है इससे कितना सहमत है लड़कियों का एज 21 कर दिया गया? बहुत ज्यादा सहमत है। मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा, बहुत सारे काम किए अच्छे अच्छे, लेकिन मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा लड़कियों के फेवर में। 21 साल बिल्कुल बेस्ट उम्र है, 18 साल में लड़कियां बिल्कुल मैच्योर नहीं होती थी, कोई ज्ञान नहीं रहता था, अब बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है इस चीज। पहले के टाइम में तो देखा जाए तो बहुत कम 13 साल 14 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उन पे दबाव बना दिया जाता था, अब वो चीज़ नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि पहले तो बाल विवाह होता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब जो है उससे ऊपर लोग 18 साल सोच रहे थे, लेकिन अब 18 से 21 कर दिया गया। बहुत अच्छा है, ये तो मोदी जी ने किया है, जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब इससे क्या, लड़के अपने पढ़ लें, कर लें, अपने मन का कर लें कुछ थोड़ा सा, और आगे अपने फैमिली को भी संभाल सकें। 21 साल की लड़के होती है तो कुछ मेच्योर हो जाती हैं कि अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है, वो सब सीख जाती है। कुछ लोग इसमें जो है कहते हैं कि नहीं 18 से 21 यदि एज कर दिया गया है तो उनको जो विशेष देखा जाए तो उनको खास तौर पे उनके लिए विशेष सुविधा दिया जाए, एज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्या ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि विशेष सुविधा दिया जाए, पर बहुत अच्छा है ये तो, हम लोग को फैमिली में, हम लोग को फ्रेंड में बहुत खुशी हो रही है कि 21 कर दिया गया है, बहुत ज्यादा खुशी। बच्चे लोग भी बहुत खुश है, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम। कितना मानते हैं लड़की का सही एज, शादी का एज कितना होना? बस 20 के ऊपर ही होना चाहिए, 21, 22, 24 कुछ भी, बस 20 से ऊपर होना चाहिए बस। और देखा एक चीज, उम्र में शादी हो जाने की वजह से एक चीज और रहता है कि ससुराल की तरफ से प्रेशर हो जाता है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, फिर वो शरीर बिल्कुल लड़कियों का खराब हो जाता है। हर चीज का एक एज होता है, 30 के बाद अगर कंसीव करती है तो वो ज्यादा सही रहता है, मतलब शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है लड़कियों का, वो चीज बिल्कुल गलत था, बाल विवाह बिल्कुल खराब था, अब ये 21 के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है। सबसे खास बात है कि मैच्योरिटी लेवल और जो मेंटली डेवलपमेंट है, मैच्योर हो गई, उन लोगों को समझ आ गई कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है क्या करना है। उस समय तो कुछ नॉलेज नहीं होती थी लड़कियों में, बस प्रेशर की वजह से वो लोग करती थी, अब बहुत सही है। 18 ईयर तो लगभग 10+2 की एजुकेशन में ही लड़की रह जाती है, उसे पता नहीं होता कि फैमिली में पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता, हो पाता था, प्रेशर रहता था, फैमिली प्रेशर था। अब कितना मार्क्स देंगे इस ऐसे जो बदलाव आए हैं आप लोग? 100% मोदी जी के साथ है, 100%। मोदी जी को एक काम और करना चाहिए, डाउरी सिस्टम भी हटा देना चाहिए, एकदम हटाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे डाउरी सिस्टम? डाउरी सिस्टम से जैसे कि गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है, तो उस समय क्या करते हैं ना कि लड़कियां पैदा होना उनके लिए श्राप माना जाता है, तो मेरे हिसाब से डाउरी एकदम हटा देना चाहिए। ये भी एक शादी से संबंधित चीजें हैं, हालांकि तो पहले से कम हो गया है डाउरी, पहले से तो कम हो गया है, लेकिन हाँ और अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूरी तरह से खत्म हुआ ही नहीं है अभी, ग्रामीण में तो खत्म हुआ ही नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता पूर्ण रूप से बदला नहीं है। हाँ मतलब पहले से कम, पहले से कम, लेकिन पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, पूरी तरह से। लेकिन इसके लिए आपको लगता नहीं है कि जागरूक और भी लोगों की जरूरत है? बहुत जरूरत है अभी भी, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ये मानसिकता खत्म नहीं होगी। सही बात है, इंसान एजुकेटेड नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रुकना चाहेंगे, एजुकेटेड लोग हैं लेकिन फिर भी मानसिकता वही बनी रहती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, पुअर मानसिकता होती है बहुत से लोगों की, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए होता कि मैंने ये देखा कि एजुकेशन आपको अच्छा संस्कार, एजुकेशन से आप जो है अच्छा इंसान नहीं बना सकते हैं, एजुकेशन से, हाँ एजुकेशन से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा संस्कार और अच्छा जो संस्कार है वो कहीं और से मिलता है, और से परिवार से ही मिलता है। मेरे हिसाब से जो लोग ऐसा करते हैं, डाउरी लेते हैं, तो या तो वो अपने बेटों को बेच रहे हैं मेरे हिसाब से, और ऐसे में लड़कियों के माँ बाप का मेरा ये कहना है कि वो लड़के को खरीद रहे हैं, तो वो पूरे हक से अपनी बेटियों को ससुराल भेजे कि ना कि पूरा राज कर सके वो,
मेरे हिसाब से लड़कों को बेचना होता है डाउरी सिस्टम लेना। बोला जाता है बच्चे को पढ़ा अपने पैर पे खड़ा कर दो ताकि वो किसी और के भरोसे ना रहे। लेकिन खास अभी ये अभी का जो मुद्दा ये है कि 18 से 21 कर दिया गया, इससे सब लोग सहमत हैं आप लोग? बहुत 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 बहुत। और आप लोग इससे पहले आप लोग की शादी हो चुकी है तो आप लोग का मतलब की क्या फील करते थे कि हम लोग का जो शादी है कम उम्र में क्या कर दिया गया कि सही उम्र में? 22 में हुई थी। लेकिन अब मानसिकता बदल गया है, लगभग 10-15 साल से लोगों की मानसिकता बदल गई। हाँ अब तो बहुत चेंज आएंगे बदलाव, वो तो जरिया बन गया मोदी जी, पर बदलाव तो हम ही लोग न लाएंगे। लेकिन मोदी जी जो किए हैं इस मामले में बहुत बहुत बेस्ट मोदी जी। अच्छा मोदी जी मोदी 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 जैसा कोई नहीं। तो आपने सुना जिस तरीके से गर्ल्स की जो एलिजिबल एज है, जो सही एज होना चाहिए, उन्होंने गर्ल जितने भी लड़कियां हैं या जो भी महिलाएं हैं पटना की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सही उम्र जो है अब किया गया है 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी जी की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो लड़कियों का विवाह का उम्र होना चाहिए वो 21 ही है। यदि पहले के ज़माने में था तो गड़बड़ था, लेकिन अब जो है दुनिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रहा है, ऐसे में जो फैसला लिया गया है बहुत ही सही है।